गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज ये हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर. लेसन 8 है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण. क्या बोलते हैं? विशेषण. अब जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं इनको पढ़ने. आई हैव अ ग्रीन बॉल. तो यहाँ पे क्या, बॉल कैसा है? ग्रीन है. तो उसके बारे में कुछ अच्छा ही बताया जा रहा है, उसके कलर के बारे में बताया जा रहा है. रागी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट. राघव कैसा कैंडिडेट है? स्ट्रॉन्ग. तो उसके बारे में अच्छाई बताई जा रही है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो मुकाबला कर सकता है. नुपुर इज़ अ स्मार्ट गर्ल. नुपुर कैसी लड़की है? स्मार्ट लड़की है. तो क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन या प्रनाउन, मतलब संज्ञा या सर्वनाम, उसके बारे में कुछ बताता है कि वो कैसे कलर का है या फिर वो कैसा दिखता है, उसका नेचर कैसा है, वो किस, उसके इमोशंस क्या है, ये सब उसके बारे में बताता है. एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. जैसे मैंने आपको बताया एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है. अब जैसे सर्कल द एडजेक्टिव एंड अंडरलाइन द नाउन्स दे डिस्क्राइब. अब इसमें से आपको एडजेक्टिव को सर्कल करना है, जिस नाउन के बारे में बता रहा है उसको अंडरलाइन करना. जैसे रोहन हैज़ अ ब्लैक डॉग, तो इसमें ब्लैक जो है हमारा एडजेक्टिव है, जो डॉग है वो हमारा नाउन है. क्यों? क्योंकि जो है डॉग के बारे में बताया जा रहा है, डॉग कैसे कलर का है, ब्लैक कलर का है. द फैट मैन वॉक स्लो, तो जब फैट मैन, तो इसमें मैन के बारे में बताया जा रहा है, कैसे है वो, फैट है. तो इसमें फैट जो है हमारा वो एडजेक्टिव है, जो मैन है वो हमारा नाउन है. बाकी खुद करोगे आप. अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नंबर, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. मतलब जो क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है, मतलब किसी भी नाउन, संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी बताता है कि वो अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, कैसा है, उसके बारे में वो बताता है. अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, और इसके लिए हमेशा जो है इस क्वेश्चन का यूज़ करता है, ऑफ व्हाट काइंड, मतलब वो किस तरह का है. तो जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, राहुल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. तो व्हाट का, इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ राहुल, मतलब राहुल कैसे तरह का इंसान है. तो इंटेलिजेंट कैसा है, वो इंटेलिजेंट लड़का है. तो ये क्या, इसका आंसर क्या हुआ, इंटेलिजेंट. तो क्या वो राहुल की क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा है. तो यही होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है राइट द अंडरलाइन द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसमें से जो भी आपको मतलब क्वालिटी लग रही है उसको अंडरलाइन करना है. जैसे द किंग वॉज क्रूल, तो इसमें कैसा है किंग, निर्दयी है. तो क्रूल, तो ये हमारे क्या, किंग के बारे में क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा है, बुरा है, निर्दयी है. तो ये हमारा इसको अंडरलाइन करना है. जैसे रोहित इज़ अ केयरलेस बॉय, तो रोहित कैसा है, उसको किसी की परवाह नहीं है, वो केयरलेस है. तो इसमें केयरलेस हमारा क्या है, एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि वो रोहित की क्वालिटी बता रहा है. तो बाकी खुद करोगे. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गिवन बिलो. चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फिल करना है, आपको बॉक्स में दे रखा है. टुडे द वेदर इज़ क्लाउडी, मतलब आज का वेदर कैसा है, क्लाउडी है, मतलब बादल, मतलब बारिश की क्षमता है, आशंका है, मतलब बारिश की आशंका है कि बारिश हो सकती है. क्लाउडी है मतलब आसमान जो है पूरा बादलों से भरा हुआ है. तो टुडे इज द वेदर इज़ क्लाउडी. तो ये वेदर के बारे में बताया जा रहा है ना, मौसम कैसा है. आई लाइक द चाइल्ड विद ब्लू आइज, मतलब मुझे कैसा बच्चा पसंद है, मुझे जिसकी आंखें ब्लू है वो पसंद है. तो इसमें किसकी क्वालिटी, चाइल्ड की क्वालिटी बताई जा रही है. तो इस ऐसी आप देख सकते हो. नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बतानी है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस हाउ मच द थिंग इज मीन्ड, मतलब वो चीज़ कितनी है, कितनी, जैसे को बोलते ना 1 kg शुगर या सम लिटिल, मतलब नो, कुछ भी, मतलब नहीं किसी भी चीज़ को हम, या फिर किसी के लिए हमें होप नहीं है. जैसे कुछ एग्जांपल्स है, आई गेव हिम सम वाटर, तो मैंने उसको कुछ मतलब कुछ पानी दिया. सम क्या, क्वांटिटी है कि हमने उसको पानी दिया, तो पानी की तो क्वांटिटी होगी ना. तो इसमें जो क्वेश्चन होता है हाउ मच, मतलब कितना.
देर इज़ अ लिटिल लिटिल वाटर इन द जग, मतलब जग में जो है थोड़ा सा पानी है, मतलब कुछ, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, जग में वाटर की क्वांटिटी बताई जा रही है। देर इज़ नो होप टू रिकवर इट, मतलब हमें कोई उम्मीद नहीं है कि, नो होप तो इसमें होप मतलब ये भी एक तरीके से क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि हमें उम्मीद है नहीं है, तो ये भी एक तरीके से क्वांटिटी ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आपको सॉरी क्वांटिटी का है ये क्वेश्चंस, इसमें क्वांटिटी से रिलेटेड आपको खालिस्तान बनना, जैसे प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे मतलब मुझे कुछ खाने को दो, कैन यू गिव मी अ लिटिल मिल्क फॉर द टी, तो इसमें क्या होता है, सम, लिटिल, इनफ, वन, ऐसी जो वर्ड्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, द एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स द नंबर ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इट डिस्क्राइब्स, इसमें जो है नंबर बताते हैं किसके बारे में, प्रोनाउन या फिर नाउन के बारे में, जैसे हाउ मैनी मतलब वह कितने हैं, तो जैसे आई हैव टू मैंगोज, मेरे पास दो मैंगो है, तो इसमें नंबर बता रहे हैं ना कि कितने हैं, तो दो मैंगोज हैं। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो जनवरी अब कौन सा महीना है, तो पहला महीना है, तो इसमें भी नंबर बताया जा रहा है ना कि पहला वो महीना है। शी डज़ अ फ्यू मिस्टेक्स इन लेटर राइटिंग, उसने जो है कुछ गलतियाँ की हैं लेटर राइटिंग में, तो इसमें भी क्या वो कुछ नंबर ही तो बता रहे हैं ना, तो क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन के मतलब उसके बारे में बताते हैं कि वो कितना है, कितनी क्वांटिटी है, मतलब क्वांटिटी नहीं मतलब कितना है, हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब कितना, तो जैसे ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट यस्टरडे, तब क्लास में ऑल स्टूडेंट, ऑल कितने भी हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 50 होते हैं, तो 50 में से 50 जो है प्रेजेंट है। अब जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव ऑफ नंबर, आपको यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का यूज़ करके फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। देर आर 7 डेज इन अ वीक, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। सेवरल बॉयज़ वर प्लेइंग इन द पार्क, मतलब कुछ लड़के जो हैं पार्क में खेल रहे हैं। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, तो बाकी आप खुद करोगे। अब हम इससे रिलेटेड वर्कशीट करेंगे और चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कम्प्लीट करेंगे। आज डेट हमारे 6 सितंबर 2021 है, डे मंडे, होमवर्क शीट 59 है हमारी, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, मैंने जो आपको एडजेक्टिव कराया इससे रिलेटेड ये हमारी वर्कशीट है। रीड द सेंटेंसेस एंड सर्कल द एडजेक्टिव, आपको सेंटेंसेस पढ़ना है उसमें एडजेक्टिव क्या उसको सर्कल करना है। जैसे डैनी कॉट द रेड बॉल, तो इसमें जो है क्या है हमारा एडजेक्टिव, क्या है रेड, क्या है रेड, तो उसको सर्कल करना है। क्यों, क्योंकि ये बॉल के बारे में बता रहा है कि वो रेड कलर का है, लाल कलर का है, बाकी आप खुद करोगे। चूज़ वन ऑफ द एडजेक्टिव फ्रॉम द लिस्ट टू डिस्क्राइब द थिंग बिलो, आपको क्या करना है, इसमें एडजेक्टिव दे रखे हैं, इसमें से आपको नीचे इसमें फिल करना है, ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है पिक अ नाउन फॉर द गिवन एडजेक्टिव, आपको नाउन लिखना है यहाँ पे, आप ब्यूटिफुल बग, क्या लिख सकते हो आप, बग लिख सकते हो, बाकी आप खुद करोगे। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग एडजेक्टिव, आपको जो इन एडजेक्टिव का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं, क्या बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। तो जैसे ब्यूटीफुल, तो माय मदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये बना सकते हो आप, बाकी आप खुद करोगे। राइट अपोजिट टू द फॉलोइंग एडजेक्टिव वर्ड्स गिवन बिलो, आपको जो यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड दे रखे हैं उसका जो है अपोजिट लिखना है, जैसे फैट का थिन, ट्रू का फॉल्स, नाइस का क्रूल, तो ये आप खुद करोगे। ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।